यही मान के चलो कि अरे बुराई तो इसके है, इसने कहीं से आ गई होगी, अंदर से तो ये भी अच्छा ही है, मेरी ही आत्मा है, क्षमा करो। लेकिन गांठ थी। अभी द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के विद्वान थे, कोई तत्वज्ञानी नहीं थे, याद रखना, धनुर्विद्या के विद्वान थे। तत्वज्ञानी इन सब से चीजों से अपनी रक्षा कर सकता है। तो द्रोणाचार्य के चित्त में जो गांस है, यह दुर्योधन द्रुपद का नाम लेकर उस शत्रुता की गांस को, उस गांठ को, उसके अंदर जो शत्रुता के संस्कार हैं, उनमें और आग लगाना चाहता है, दिया सलाई देना चाहता है कि ये द्रुपद का नाम लेते ही द्रोणाचार्य एकदम आग बबूला हो जाएंगे और मेरे प्रति इनका आत्मीय भाव बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका में ये जो प्रथम अध्याय है, इस प्रथम अध्याय में अधर्म की मीमांसा और धर्म की मीमांसा भी आप अच्छी तरह से देखोगे। ये अधर्म है, दूसरे के चित्त को गंदा करना, चुगली करना, इधर की उधर करना, निगेटिविटी फैलाना, ऐसे लोग अपने शत्रु और समाज के शत्रु, यही दुर्योधन कर रहा है। इसलिए वचनम पद आया, इतना इतना व्याख्यान मैंने वचनम पर दिया है बोला, इसलिए वचनम अब्रवीत, वचन बोला, इसीलिए संजय को वचन शब्द का प्रयोग अलग से करना पड़ा, क्योंकि ये सहज नहीं बोला कि जो दिल में आया बोल दिया, ना, अकल लगाई, अकल लगा करके जरा ऐसे ढंग से बोला कि जिसमें आग लग जाए। आप समझ गए ना, राजा वचनम अब्रवीत, ये वचन बोला। और अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् सौभद्रो पुरजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। और उसके बाद नारायण ये आग लगा करके पांडवों की सेना में जो और सारे महापुरुष थे, बड़े बड़े धनुर्धारी, महेश्वासा माने बहुत बड़े बड़े धनुष रखने वाले, ये भीम और अर्जुन के समान जो बड़े बड़े योद्धा हैं, जरा उन सबको देखो, ये विराट हैं, सात्विकी हैं, और राजा द्रुपद हैं, दृष्टिकेतु हैं, चेकितान हैं, नारायण, और ये काशीराज हैं, पुरजित कुंती भोज हैं, और ये शैव हैं, पराक्रमी युधा मन्यु हैं, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी यहाँ पर बड़े बड़े धनुष लेकर के युद्ध भूमि में आए हुए हैं। अब इनकी व्याख्या मैं नहीं करता हूँ, इनका परिचय ही है, वो तो आप पुस्तकों में पढ़ लेना। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संयार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है ये जो पांडवों की सेना है आचार्य जी, ये तो तुम्हारे ही शिष्य द्रुपद के, तुम्हारे परम शत्रु द्रुपद के द्वारा संरक्षित है, जरा ध्यान से सुन देख लेना, और ताकि और तुम भी अपने मन में आग लगा ले हो, और इधर ये इतने बड़े बड़े ये भी महारथी सेना में हैं, और अब अपने बारे में बताता है। ये प्रक्रिया होती थी, लेकिन ये सारी बातचीत सेनापति से होती थी जो वो द्रोणाचार्य से कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये, हमारी तरफ भी जो विशिष्ट विशिष्ट लोग हैं वो तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अब थोड़ी तारीफ तो करनी है ना, खुश करना है, अपने तौर से लड़वाना है उसको, तो तारीफ करता है। हे द्विजोत्तम, आपके ज्ञान के लिए मैं अपनी ओर भी जो बहुत बड़े बड़े सेना नायक हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। अब देखो क्या बतलाता है। फिर छल भवान भीष्मश्च कर्ण नारायण कर्णश्च कृपश्च शमितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। अब फिर छल क्या आया, हमेशा सेना का परिचय देते समय सबसे पहले सेनापति का नाम लिया जाता है, याद रखना।
ये नीति है, नियम है, शिष्टाचार है। सबसे पहले सेनापति का नाम, उसके बाद फिर और किसी का नाम आता है। लेकिन यहां ये क्या करता है, भगवान के बात किससे कर रहा है, द्रोणाचार्य से। तो जब द्रोणाचार्य से बात कर रहा है तो पहले दूसरे का नाम ले तो पता नहीं ये खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आदमी जरा अपना नाम चाहता है ना, अरे मेरा नाम है कि नहीं है, मेरा फोटो है कि नहीं है, हम अखबार में आए कि नहीं आए, लोग ऐसा चाहते हैं। तो महाराज ये सबसे पहले भीष्म का नाम नहीं लेता, भगवान से शुरू करता है। भगवान यानी आप, कि हमारी ओर जो विशिष्ट विशिष्ट लोग हैं वो भगवान आप हैं, पहले आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, विकर्ण हैं, और ये अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, ये सारे के सारे हमारी ओर से महासेना नायक हैं। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे तिक्त जीविता नाना स्वस्थ प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अब ध्यान दो बंधुओं माताओ, कहता है और बहुत सारे सूरवीर हैं, अन्य च बहवा सूरा मदर्थे तिक्त जीविता, जो मेरे लिए जीवन की आशा छोड़ करके लड़ने आए। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे अस्त्र सुसज्जित हैं, अब यहां देखो, आप ध्यान दो इस बात पर कि ये सर्वे युद्ध विशारदा, ये युद्ध में बड़े विशारद हैं, बहुत तेज हैं, लड़ने में बड़े कुशल हैं। लेकिन यहां किस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बंधुओं माताओं, अन्य च बहवा सूरा मदर्थे तिक्त जीविता, ये मेरे लिए मरने आए हैं, जरा ध्यान से सुनना, मेरे लिए मरने आए हैं। और अभी अर्जुन के पास चलना, आज ये बात जरा याद रखना, मदर्थे तिक्त जीविता, मेरे लिए मरने आए हैं, ये है अधर्म। और जब अर्जुन के पास जाओगे तो कुछ और मिलेगा, यानी जो केवल अपने 3.5 हाथ के शरीर के लिए, जो केवल अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए किसी दूसरे को यूज करता है, वही राक्षस है, वही अधार्मिक है, वही पापी है, वही दुरात्मा है, वही धरती का भार है, वही मानवता का शत्रु है। याद रखो, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं, हम तो कहीं किसी को यूज नहीं कर रहे। ये जो बूचड़ खानों का विरोध करने वाले लोग हैं वो इसी नीति के विरुद्ध अन्याय के समर्थक हैं। क्यों? कि किसी भी जीवित प्राणी का अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग करना, यह किसी भी कीमत में धर्म नहीं हो सकता। याद रखो, अपने लिए आप कैसे किसी जीवित प्राणी का उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको कष्ट दे सकते हैं, कैसे उसको मार सकते हैं, कैसे उसका जीवन ले सकते हैं, कैसे इसका नैतिक अधिकार सिद्ध होता है। यहां दुर्योधन कहता है मदर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए मरने आए, यानी ये जो दुर्योधन है ये स्वजीवी है, ये केवल अपने बारे में सोचने वाला है, अपनी चिंता करने वाला है, इसे और किसी की परवाह नहीं। अब देखो, ये अपनों को मरवाने को सहज रूप से तैयार है, मरो मरो, मेरे लिए मर जाओ, मुझे बस राजा बना जाओ। बुरा नहीं मानना, आजकल एक जगह, वैसे तो यही रोग सब जगह दिखता है, व्यापार के लिए और चीजों के लिए, लेकिन राजनीति में ये रोग बहुत दिखता है। अभी अभी हमने देखा नारायण, अभी कुछ दिन पहले बाप बेटे का झगड़ा आ रहा था, अरे भाई तुम सब अपमानित हो जाओ और मुझे राजा बना दो, बस मैं राजा बन जाऊं। अब नियति थोड़े ऐसे लोगों को राजा बनाती है, ना दुर्योधन राजा बना, ना आजकल के दुर्योधन राजा बनेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि परमात्मा जैसा तब था वैसा अब है और वैसा हमेशा रहेगा, है ना। ध्यान देना, धर्म की रक्षा करना, यह है परमात्मा का अपना एक परम दृष्टिकोण है। अब आप आगे चलो, ये तो उसने नारायण अपने लिए कहा,
फिर कहता अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं, पर्याप्तं तुदिमे तेषां बलं भीमा विरक्षितं। अरे महाराज, ये जो हमारी सेना है ये अपर्याप्तम, ये हमारी सेना असीम है, अपरिआप्तम, कि इसमें कोई परिमाप नहीं है। इसकी जो आप्तम माने प्राप्ति, इसका होना, ये कैसा है? अपरि, अपरि माने इसमें परिमाप नहीं है, असीम है, दूर तक हमारी सेना है और छोर नहीं दिखता है, ध्यान देना। और दूसरी विशेषता क्या है? भीष्मा भी रक्षितम, यह पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित है। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, यह भीष्म के द्वारा संरक्षित है। और इनकी सेना देखो, इसका अंत भी दिख रहा है, ये और छोर भी इसका दिख रहा है, इधर और दिख रहा है, उधर छोर भी दिख रहा है, हैं? ये पर्याप्त है। पर्याप्त माने इसकी परिसीमा का दर्शन हो रहा है, परिसीमा प्राप्त हो रही है, इसकी परिसीमा वो उधर दिख रही है कि यहां तक इसका अंत है, और हमारी सीमा, हमारी सेना की कोई सीमा नहीं दिख रही। और दूसरा, इनकी सेना में कमी क्या है कि ये भीम के द्वारा संरक्षित, यहां है भीम और हमारे यहां है भीष्म, के अंतर क्या है? के अंतर है मूर्धन षकार का। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, अरे मजा है गीता में, हैं? मनोरंजन नहीं है यहां, बुद्धि रंजन है, समझदार लोगों का मजा आता है गीता में, ध्यान देना। सौ काम छोड़ के भी गीता सुननी चाहिए। ये भीष्म में और भीम में अंतर क्या है कि मूर्धन षकार, ये जो मूर्धन षकार है ये किसका प्रतीक है? ध्यान देना, ये प्राण शक्ति का प्रतीक है। अब देखो कितनी मजेदार बात है, अध्यात्म कितना गहरा यहां समाया हुआ है। ये जो भीम हैं ये पवन पुत्र हैं, ध्यान देना, ये भीम पवन पुत्र हैं। और भीष्म से भी मूर्धन षकार निकाल लो तो वो भी भीम है, उनमें मूर्धन षकार बीच में है। अब प्राण क्या है देखो, मुझे संक्षेप में ही सुनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरी गीता करनी है महीने भर में। आप सबके अंदर या किसी के अंदर भी, जिसको फिजिक्स में हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, उसी को अध्यात्म की भाषा में, दर्शन की भाषा में, योग की भाषा में प्राण बोलते हैं। प्राणम वही ब्रह्म, प्राण माने चेतन ऊर्जा, जिंदा ताकत, जिंदा शक्ति, जिसमें अपनी चेतना भी है और ऊर्जा भी है, ऐसी एनर्जी जिसमें अपनी चेतना। अब देखो ये जैसे ये सब एनर्जी है, यहां भी एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी में ये ऐसा नहीं है कि प्रवचन चल रहा है तो लाइट अपने आप जल गई फिर उड़ गई, सुन भी रही है, देख भी रही है, ऐसा नहीं है। ये जड़ है, ये एनर्जी है, ये फिजिकल एनर्जी, ये भौतिक ऊर्जा है, इसकी, इसका शास्त्र फिजिक्स कहलाता है। लेकिन हमारे आपके अंदर ये चेतन ऊर्जा है, हमारे आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें जान है, वो अपने आप काम करती है, स्वचेतन हो, स्वयं चेतन प्रेरणा से वो काम करती है। तो जो स्वचेतन ऊर्जा है उसी को बोलते हैं प्राण, प्राण शक्ति, है ना, वाइटल पावर, जीवनी शक्ति, उसी को प्राण शक्ति बोलते हैं, ध्यान देना, लाइव एनर्जी, उसी को प्राण शक्ति बोलते हैं। तो ये जो प्राण शक्ति है नारायण, ये प्राण शक्ति ये आपके अंदर किस किस रूप में है कि मुख्य रूप से तो ये ऑक्सीजन। अब देखो मैं आपको कल की बात बताता हूं, कल क्योंकि परसों हम रात भर जगे थे, कल की रात पूरी जगे, कल के पहले की रात हम पूरा जगे थे, व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा दूसरे जग रहे हैं तो उनको उत्साहित करने के लिए थोड़ा जरा उनको भी उल्लास बना रहे इसलिए, और हम कर कुछ नहीं रहे थे, लेकिन वो भी तो सब अपने हैं। अब ये थोड़ा हम महामंडलेश्वर हैं भाई, बैठे हैं बस, नहीं, ऐसा नहीं, सब अपनी आत्माएं हैं, सब समान हैं। तो जगे और फिर सो भी नहीं पाए, फिर कल का ये कार्यक्रम भी काफी, तो इस तरह का थोड़ा सा था, फिर
लोगों का आना जाना, फिर ये मन में होना कि पता नहीं इनका समुचित सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? आनंद जी ने तो हमें जरा भी विक्षेप नहीं दिया, ध्यान देना, और भी किसी ने विक्षेप नहीं दिया, सभी अतिथि हमारे बड़े सज्जन और बड़े विराट हृदय के रहे, इसलिए कोई विक्षेप नहीं हुआ। कहीं कोई ऐसे आ जाते महाराज तो फिर तो इसलिए थोड़ा ऐसा था, और व्रत भी साथ में, तो कल कुछ ऐसा महसूस हुआ तो हमने तुरंत, अब आप लोगों को ये क्या पता लगेगा, हमने तुरंत यहीं व्यास गादी में बैठे बैठे प्राणायाम शुरू कर दिया। अब प्राणायाम ज्यों ही शुरू किया तो हमारे अंदर जो डलनेस ही हम महसूस कर रहे थे एकदम से हम जागृत हो गए, मस्त हो गए, ध्यान देना। तो ये जो ये तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, अरे बाबा यही तो रहस्य है। बल अलग है और प्राण शक्ति अलग है। हाँ, एक बार हमने शिवपुरी में एक शिविर चलाया था, किचनलेस, कोई भोजन नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, और वहां दो मशीनें थी, एक वेट नापने की और एक ताकत नापने की। तो वेट सबके घटे, कमल जी को बुलाया था लेकिन आए नहीं, वेट सबके घटे लेकिन ताकत सबकी बढ़ी, ध्यान देना, ताकत बढ़ी और वेट घटे, और भोजन वोजन कुछ नहीं, प्राणायाम होता था, योग होता था, ध्यान देना। यहां भी चलता था पहले, अब यहां अभी इस सभा में भी यहां भी चलेगा। तो नारायण ये प्राण शक्ति है, इसका मुख्य जो प्राण का स्वरूप है वो माने ऑक्सीजन है, प्राण वायु है। तो आपके अंदर एक तो ऑक्सीजन प्राण शक्ति है, दूसरे रक्त में प्राण शक्ति, यही ऑक्सीजन ही रक्त में घुल करके वहां भी प्राण शक्ति है, तीसरे आपके रजवीर में प्राण शक्ति होती है, इसीलिए ब्रह्मचर्य में ओज होता है, ध्यान देना बंधुओं माताओं। तो ये जो भीम है, ये पवन पुत्र है, ये पवन का प्रतीक है, लेकिन इसने प्राणों का संरक्षण नहीं किया, इसने प्राणों का संयमन नहीं किया, ये गृहस्थ है। और ये जो भीष्म है, इन्होंने प्राण तत्व का पूर्ण संरक्षण किया है, ये अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनके कभी वृद्ध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ये अखंड पराक्रमी रहेंगे, जस के तस रहेंगे, ये प्राण शक्ति का सहज परिणाम, ध्यान देना। इसलिए अब देखो एक बात बताऊं, कल मैंने कहा था कि पहले सभी राजा विद्वान होते थे, दुर्योधन भी ऐसा नहीं है कि जानता नहीं है, सभी, और पहले फिलोसफी कंपलसरी सब्जेक्ट था। अब आजकल तो क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, हम पढ़े लिखे हैं ऐसे बेवकूफ न समझ, क्या पढ़े, कंप्यूटर, अरे तो कंप्यूटर पढ़े तो कुछ जीना भी पढ़ा है कि जीना क्या है, जीना किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं, किसी ने पढ़ा, बोलो इंसान किसे कहते हैं, किसी ने पढ़ा, कहीं पढ़ाया गया, कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे बाबा ये विज्ञान है, ये गीता जिस धर्म की बात करती है, याद रखना इस धर्म को किसी भी सीमा में, किसी भी जाति में बांधा ही नहीं जा सकता, किसी भी भूगोल में बांधा नहीं जा सकता, ये सार्वभौम धर्म की बात करती है। काश ये हिंदुओं के अलावा किसी दूसरी कौम के पास होती तो आज सारे विश्व को इसकी मान्यता होती। नारायण दुर्योधन भी जानता, इसीलिए कहता है कि हमारी सीम, पहली बात कि हमारी अपर्याप्त है, असीम है, और दूसरी बात इनकी पर्याप्त, देखो और छोर दिख रहा है, और इनके यहां भीम है तो हमारे यहां भीष्म है, मूर्धन सकार ज्यादा है, यानी प्राण शक्ति उनके पास अमृत है, अनंत है, अखंड है, अक्षुण्ण है। और ये तो गृहस्थ है महाराज, भोग विलास में क्या नष्ट होता है, याद रखना, शादी शादी शादी, ये प्राण शक्ति ही नष्ट होती है, ये प्राणिक ऊर्जा का ही खेल है महाराज, जिसका क्षरण होता है, हैं? जो मजा है ना संसार का मजा, मजा हाँ, जिसमें ज्यादा रुचि होती है हो लोगों, ये प्राण शक्ति का ही क्षरण होता है, इसलिए उसमें संयमन होना चाहिए। तो ये जो भीष्म हैं, ये मूर्धन सकार यानी प्राण शक्ति के कारण बड़े हैं, ये दुर्योधन ने कहा। और साथ साथ देखो ये भी कहता है, और लेकिन 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 चूंकि
सहज नहीं है, सरल नहीं है, धर्म से कहीं च्युत हो गया है, मनमुखी धर्म वाला अपने आप धर्म की रचना करता है, तो कहीं गड़बड़ भी है। कि गड़बड़ क्या है कि उसी भीष्म के प्रति संदेह भी है। इसलिए अयनेश्च सर्वेषु यथा भागमोस्थिता भीष्ममेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्वैवहि। अरे बाबा, जरा चारों तरफ से सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, सब अपनी अपनी जगह सब लोग खड़े हो जाओ और भीष्म की जरा रक्षा करो, जरा इनका साथ दो। अभिरक्षन्तु, चारों ओर से इनकी रक्षा करो, अपने सेनापति की कि चारों तरफ साथ रह करके और फिर युद्ध की का क्रम बनाओ। और फिर देखो महाराज, इधर भीष्म के की तारीफ और इधर भीष्म के प्रति संदेह भी, और फिर भीष्म का खेल देखो। ये देखो कितनी मजेदार बात है। अरे पूरे पूरे महाभारत का मजा तो यहीं आ जाता है, वो गीता ही में आ जाता है। ये क्या कि देखो, ये जो दुर्योधन है, ये बेचारा धर्म समझता नहीं, अध्यात्म समझता नहीं, तो ये संदेहों से भरा हुआ है। भरोसा भी करता है, संदेह भी करता है। बोलो यही खेल है ना आजकल संसार का, है भरोसा भी हो रहा है, संदेह भी हो रहा है, भरोसा भी हो रहा है, संदेह भी हो रहा है, न इधर के रहे न उधर के रहे, है। और इधर भीष्म का देखो, भीष्म भी अंदर अंदर तो चाहते हैं किसको, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, धर्म को, जानते हैं कि इधर का मामला सब गड़बड़ है, लेकिन मोह से भरे हुए, अपने व्यष्टि धर्म से भरे हुए, व्यष्टि धर्म, ध्यान देना, भीष्म का जो धर्म है वो व्यष्टि धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है। याद रखना, धर्म हमेशा सच्चा धर्म लोक धर्म होता है, लेकिन धर्म सब जगह होता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमारा अपने ताई धर्म है, परिवार के ताई हमारा धर्म है, समाज के ताई हमारा धर्म है, देश के ताई हमारा धर्म है, विश्व के ताई, सभी मानवता के ताई, सभी जगमयता के ताई भी हमारा धर्म है। धर्म बहुत विराट कॉन्सेप्ट है। आजकल उस धर्म को ऐसा छोटा सा टुकड़ा बना के पूजा पद्धति को लेकर के गोलियां चल रही, आग लगी पड़ी है सारे संसार में, ध्यान देना। ये जो भीष्म हैं, इनकी गलती कहां है कि ये भीष्म नारायण ये व्यष्टि धर्म को मानने वाले हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है। कि क्या प्रतिज्ञा है? कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा के चलते परिवार पर ऐसी स्थिति आ गई महाराज कि स्त्रियां तो हैं, पुरुष नहीं रहे। अब खानदान आगे कैसे बढ़े? तो इनकी माता ने, विमाता कहना चाहिए, विमाता ने कहा, सत्यवती ने कहा कि देखो बेटा, तुम विवाह कर लो और आपको कथा मालूम होगी। मैं संक्षेप में कहकर फिर अब इसी प्रसंग से विराम दूंगा, क्योंकि अभी गुरु भाई का भी संदेश आपको श्रवण करना है। तो नारायण, आपको कथा मालूम है कि पितामह भीष्म के पिता शांतनु, अब वो और पीछे जाएंगे तो आपको मालूम है कि कैसे वो गंगा का कथन था कि हर संतान को आप गंगा में सौंप देंगे, लेकिन जब आठवीं संतान आई तो उसको शांतनु ने नहीं सौंपा। यही भीष्म थे, ये वास्तव में अष्ट वसु हैं, ये अष्टम वसु हैं। तो जब नहीं सौंपा तो गंगा चली गई, वो तो पहले से बात तय थी, वो सारा खेल तो दूसरा था। अब ये बहुत दिन से फिर भीष्म का पालन होता है, बड़े पराक्रमी निकलते हैं, बाद में पत्नी नहीं है, एकाकी जीवन है, तो कुछ ऐसी स्थिति तो गृहस्थ की स्वाभाविक रूप से आ सकती है। नारायण, उन्हें सत्यवती दिख जाती है एक धीवर कन्या के रूप में नदी किनारे, और उनके मन में आकर्षण हो जाता है, प्रभु की लीला है। वो उससे बात करते हैं, भाई तू चाहे तो मैं इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। धीवर का मन छोटा, समझ छोटी, याद रखना, जो ध्यान देना, जो अंदर से जितना छोटा होता है
बाहर उसकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। बड़ी मजे की बात है, महत्वाकांक्षा धर्म की दृष्टि से रखो, कर्तव्य की दृष्टि से रखो, सेवा की दृष्टि से रखो, समर्पण की दृष्टि से रखो। लोक मांगलिक महत्वाकांक्षा हो, हम ऐसा हो करके और देश की सेवा करेंगे और अच्छा और ज्यादा से ज्यादा विस्तार से लोगों के काम आएंगे, वो तो महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन मैं बड़ा हो जाऊं, ये महत्वाकांक्षा अपने अंदर हीन ग्रंथि का परिणाम है। तो महाराज उसने कहा कि देखो, विवाह तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी कन्या से जो संतान होगी वही राजा बनेगी, आपकी उत्तराधिकारिणी होगी, ये वचन आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो आप राजा हो, ले जाओ, मैं आपका बिगाड़ क्या लूंगा। तो शांतनु ने कहा, भाई मैं राजा हूं, ले जा सकता हूं, विवाह कर सकता हूं, लेकिन मैं राजा भी धर्मात्मा राजा हूं, मैं धर्म कुल में राजा हूं, मैं प्रजा के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता कि बलपूर्वक मैं तुम्हारी कन्या कैसे विवाह करूं। याद रखो, हमारे पौराणिक आख्यानों में, हमारे पूरे महाभारत पुराण इतिहास में कहीं भी किसी भी नाबालिग कन्या के विवाह का एक भी आख्यान कोई माई का लाल बता दे। सबसे ज्यादा परिपुष्ट धर्म हम हैं, ये नई पीढ़ी को जरा इस बात को समझना चाहिए। हर जगह मैच्योर कन्या है, उसकी इच्छा से ही विवाह हुआ है, कहीं भी जबरदस्ती नहीं मिलती। जितना सम्मान भारतवर्ष में स्त्री जाति का रहा है उतना कहीं भी कभी न था न हो सकता है। यहां नहीं है कि फोन पर तलाक 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 हो, फूट गया बम का गोला, यहां ऐसा न था न है और न ये मानवीय है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, इसलिए नारायण उन्होंने कहा नहीं, जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता, चले आए, लेकिन मन में थोड़ी लगन सी हो गई, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, जो देह में रहेगा उसके लिए प्राकृतिक है। देह में कोई भी हो, कोई भी देहाभिमान में आएगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, तो वासना का आघात उसका थपेड़ा लग सकता है। याद रखो, ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस का कमाल है और कुछ भी नहीं। भीष्म ने उसी समय, उन्होंने भीष्म को कुछ समय पहले ही उत्तराधिकारी घोषित किया था, युवराज पद दिया था, तो कर नहीं सकते थे। भीष्म को पता लग गया, मंत्री से पूछा, पिता ने तो नहीं बताया, तो भीष्म गए, भाई अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं करते हो? तो धीवर ने कहा, यदि आप विवाह करें तो मेरी कोई शर्त नहीं है, और यदि पिता विवाह करें तो मेरी ये शर्त है। तो इन्होंने कहा, ये गांगेय यानी यही भीष्म पिता में गंगा पुत्र, इन्होंने कहा कि देखो, मैंने इन पर मातृ दृष्टि डाली है, पिता के लिए मैं इनका वरण करना चाहता हूं, पिता इनका वरण करेंगे, इसलिए मैं विवाह करूं ये तो कल्पना ही मत करना, ये तो पाप है, लेकिन जहां तक तुम्हारी शर्त है उसका संबंध तो मुझसे है, मैं अपना उत्तराधिकार अभी परित्यक्त करता हूं, छोड़ देता हूं, परित्याग करता हूं। अरे महाराज, आप तो छोड़ दोगे, आपका आपके वचन पर मुझे भरोसा है, लेकिन आपकी संतान फिर उस पर दावा करेगी। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, ये लो, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। ये हमारे देश का नारायण पुत्र धर्म का इतिहास है। तब वो भीष्म कहलाए, भीष्म का मतलब होता है विकट प्रतिज्ञा। तो उन्होंने ये किया। अब स्थिति ये हो गई कि अब परिवार कैसे आगे चले। तो सत्यवती ने कहा कि तुम विवाह कर लो, उसके पिता ने भी कहा, लेकिन उनका नहीं, मेरी प्रतिज्ञा। अब ये मेरी प्रतिज्ञा व्यक्तिगत हुई कि नहीं हुई, ध्यान से सुन लो, इसे कहते हैं व्यष्टि धर्म। ये व्यक्तिगत मेरे प्रति मेरा धर्म है, लेकिन हमारा, ध्यान से सुनना सभी, मेरे प्रति मेरा धर्म कई बार मेरे परिवार के प्रतिकूल पड़ सकता है, मेरे प्रति मेरा धर्म कई बार मेरे देश के, मेरे समाज के प्रतिकूल पड़ सकता है। वहां पर धर्म की नीति ये कहती है कि मैं परिवार का चिंतन करूं,
मैं समाज का राष्ट्र का चिंतन करूं, मुझे मेरे प्रति अपने व्यक्तिगत धर्म में संशोधन करना पड़े तो मैं कर लूं। पितामह भीष्म का यही अपराध सिद्ध हुआ, इसीलिए जब धर्म और अधर्म का विश्लेषण हुआ तो पितामह भीष्म को अधर्म पक्ष का नायक बनना पड़ा। उन्होंने परिवार के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ा। और ये राष्ट्र की भी बात थी, क्योंकि उस कुल का उत्तराधिकारी राष्ट्रनायक होने वाला था, उस समय राजतंत्र था। उसके बाद और आगे चलो तो महाराज धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ गया। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, जिसके बैठने का निषेध था, पहले ही विदुर ने कहा था कि नहीं, ये संभव नहीं है कि ये जो देख नहीं सकता वो राजगद्दी पर बैठे, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कभी भी ठीक से। कई लोग कह देते हैं ये विदुर ने ऐसा क्यों कहा, देखो द्रौपदी की लज्जा खींची जा रही है। धृतराष्ट्र नहीं देख सकता, धृतराष्ट्र जो आंखों से नहीं देख सकता वो कैसे समझ सकता है कि पहने ओढ़े में और नंगे में क्या फर्क होता है, वो लज्जा की मीमांसा कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। पुत्र मोह ही सिर्फ उसके ऊपर था और कोई दूसरी बात उस पर काम नहीं कर रही थी। परिणाम क्या हुआ कि वहीं पर भीष्म जैसा धर्मधुरीण है, महापराक्रमी है, वहीं पर विदुर है, वहीं पर द्रोण है, वहीं पर कृपा है, वहीं कृपाचार्य हैं, वहीं पर युधिष्ठिर धर्मावतार हैं, और वहीं पर ये नग्नता, नंगा नाच हो रहा है। मैं सच कहता हूं बंधुओं माताओं, मैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी यदि किसी को मानता हूं तो भीष्म को मानता हूं, और उसके बाद मैं युधिष्ठिर को भी दोषी मानता हूं। लेकिन दोनों में भीष्म अधिक दोषी क्यों है, क्योंकि भीष्म का व्यष्टि धर्म था और युधिष्ठिर का शास्त्र धर्म था। याद रखना, कभी कभी शास्त्र धर्म भी लोक धर्म के आड़े आ सकता है। वहां पर हमारा जो भारतीय चिंतन है वो ये कहता है कि यदि लोक धर्म के आड़े, राष्ट्र धर्म के आड़े कहीं शास्त्र भी आ रहा हो तो शास्त्र में संशोधन करो, लेकिन लोक धर्म को बाधित मत करो, राष्ट्र के कल्याण को बाधित मत करो, यह हमारा शास्त्र कहता है। इसीलिए महाभारत का ही यह प्रमाण है कि युद्ध के क्रम में इसी भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, जो पे हरि अस्त्र ना उठवाऊं तो शांतनु सुत ना कहाऊं। और महाराज भीषण भीषण युद्ध किया, भगवान कृष्ण का शरीर भी बींध डाला बाणों से, एक एक बाण से 10,000 योद्धा मारते थे। उस समय श्री कृष्ण ने विचार किया कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है। आज मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को यदि देखकर चलता हूं तो ये पितामह भीष्म धर्म का पक्ष ही नष्ट कर देंगे, फिर धर्म किसके बलों से किसके लिए होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। हो तुरंत उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। यह धर्म है, यह धर्म की मीमांसा है। यहां पर नारायण देखो पितामह भीष्म से ही कैसी गलती होती है, और यह होता है तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी ऐसी गलतियां होती हैं कि एक ओर तुम्हारे अंदर धर्म चलता है, ध्यान देना, दूसरी ओर स्वार्थ चलता है, तीसरी ओर मोह ममता भी चल रही होती है, और इन सब के द्वंद नहीं, अरे बाबा ये तो द्वंद तो दो दो के दो दो द्वंदा, यहां तो जाने कितने पक्ष एक साथ तुम्हारे अंदर लड़ रहे होते हैं, और निर्णय में गलती हो जाती। पितामह भीष्म से महाभारत के युद्ध में पहली महाभूल, तस्य संजन्यन हर्षम कुर्वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। अरे बाबा, इधर दुर्योधन भी शक कर रहा है कहीं ये उधर ना उधर का पक्ष लें, और इधर पितामह भीष्म को लगता है कि दुर्योधन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे अर्जुन और युधिष्ठिर अधिक प्रिय हैं। बोलो ऐसा तुम्हारे यहां भी होता है कि नहीं होता, ये द्वंद्व होता है कि नहीं होता है। और दुर्योधन को यह न लगे कि पितामह भीष्म कहीं अंदर से अर्जुन को अधिक पसंद करते हैं, पांडवों को अधिक पसंद करते हैं, इसके लिए उन्होंने नारायण अपना शंख पहले बजा दिया।
अब पहले महाराज शंख बजा करके लड़ाई होती थी गाजे बाजे से, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब तो जरूरत पड़ती है तो करनी पड़ती है। भारत तो अभी भी नीति वाला देश है, भारत अनीति आज भी नहीं करता, आज भी हम संयमित हैं, इस पूरे विश्व को यह समझना चाहिए। आज भी भारत ने कहीं किसी के ऊपर ऐसा आक्रमण नहीं किया है। तो नारायण शंख बजा दिया, अब आप नीति पूर्वक आप जरा विचार करो, पांडवों के साथ अन्याय किसने किया, अन्याय का लंबा इतिहास किसका है, कौन कई बार अन्याय कर चुका है पांडवों के खिलाफ, सारा इतिहास जानता है, आप सभी जानते हो। इस सब के बावजूद जब पांडव कहते हैं भैया पांच गांव सही, जीवन रक्षण तो जन्मसिद्ध अधिकार है, तो भी तुम कहते हो सुई की बराबर भी भूमि न देंगे, किसी की मानते नहीं हो, कोई भी समझौता के लिए जाता है तो तुम उसकी सुनते नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं तुम उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हो, तो सब तरह से अनीति तुम्हारी। अब यदि पांडव आ गए मैदान में, तो पांडव आ गए हैं ना अपना हिस्सा लेने, तो कायदे से नीतिपूर्वक सबसे पहले पांडवों को शंख बजाना चाहिए। लेकिन शंख फूंक दिया किसने, पितामह भीष्म ने, और सिर्फ स्पष्ट लिख दिया, ये जो महाभारतकार है ना महाराज, ये तो बहुत स्पष्ट है मामला, यहां तो कुछ भी। तस्य संजनयन हर्षम, कि ये जो दुर्योधन है उसके चित्त को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। अब अंत में एक बात सुन लो बंधुओं माताओं, यहां पर हमारे ये सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक वरिष्ठ प्रचारक भी विराजमान है, हम लोग भी सामाजिक जीवन ही जीते हैं, हम लोगों का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। सन्यासी व्यक्ति नहीं होता, संस्कृति का एक प्रतीक होता है, उसे व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, जो लोग उसे व्यक्ति मानते हैं वो भूल करते हैं, जो लोग उसके साथ व्यक्तिगत व्यवहार की प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं वो भी भूल करते हैं। सन्यासी व्यक्ति नहीं है, वो संस्कृति का संवाहक है। इसी तरह प्रचारक भी व्यक्ति नहीं है, वो संगठन का संवाहक है, याद रखना। आप भी व्यक्ति नहीं है, एक दृष्टि से परिवार हैं, समाज हैं, देश हैं। हर बच्चा ये कह सकता है मैं भारतवर्ष हूं। तो नारायण जहां कहीं भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले, ध्यान से सुनना, सार्वजनिक जीवन जीने वाले सर्वजीवी व्यक्ति जहां कहीं भी व्यक्तिगत होगा वहां समाज का नुकसान होगा। कान खोल करके सुन लो, सीता जी जरा सा व्यक्तिगत हुई और एकदम से समाज की कैसी स्थिति बन गई। जहां भी व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्तिगत नहीं हो सकता, उसे सार्वजनिक ही रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन का मतलब तुम्हारा बाकी जो व्यक्तिगत चर्याएं हैं उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत निर्णय जो समाज को प्रभावित करता है उसमें यदि व्यक्ति निष्ठा प्रभावित हो गई, इसीलिए जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां राजनीति कलुषित होगी, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां संस्था कलुषित होगी, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां समाज कलुषित होगा, जहां व्यक्ति निष्ठा है वहां भी कोई भी दल निश्चित रूप से संकुचित और कलुषित होगा। आप गीता में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे कि जितने अधर्म पक्ष में हैं ये सब व्यष्टिवादी हैं, सब व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ हैं, कर्णम परम धर्मात्मा हैं लेकिन व्यक्तिनिष्ठ हैं, दुर्योधन के प्रति निष्ठा है, पितामह भीष्म परम धर्मात्मा हैं, चरित्र में एक भी दोष निकाल नहीं सकते, बाबा ऐसा व्यक्तित्व तो सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उनकी अपने प्रतिज्ञाओं पर निष्ठा है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि भी धर्मात्मा हैं लेकिन वो भी व्यक्तिनिष्ठ हैं। तो जो व्यक्तिनिष्ठ होगा, जो व्यक्तिवादी होगा, वो कभी भी लोक धर्म का सहजता से पालन नहीं कर सकता, ये अकाट्य नियम है।
ये राजनेताओं के लिए अकाट्य नियम है, ये आचार संहिता में उनका प्रथम सूत्र होना चाहिए। यहां तस्य संयनन हर्षम, ये इतनी बड़ी सेना का नायक, राष्ट्रनायक, और इसने एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े महायुद्ध का शंख बजा दिया, इसे मैं महाभूल कहता हूं पितामह भीष्म की। ये कोई मतलब नहीं है कि यदि पितामह भीष्म बहुत बड़े हैं तो हम ये कह नहीं सकते। हम कह सकते हैं क्योंकि महाभारतकार ने खुद उनको अधर्म पक्ष में खड़ा किया। एक मुझे मिले, बोले बताइए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, ये कोई नीति है? मैंने कहा तो तुम्हें क्या, तुम क्या करोगे? अरे बोले मैं उनका नाम भी, मैंने कहा नाम तो नहीं लेते, लेकिन उनको दंड महाभारतकार ने नहीं दिया क्या? ये क्या दंड दिया कि महाभारत में धर्म और अधर्म जब एक उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग हुए, वर्गीकरण हुआ, तो ये बताओ द्रोणाचार्य किस पक्ष में है, क्या धर्म पक्ष में? मैंने कहा इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? लोग ध्यान से समझते नहीं है, ध्यान से पढ़ते नहीं है वो। संयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध हैं। यहां शब्दावली देखो, कुरुवृद्ध पूरे कुरुवंश में सबसे बड़े हैं, पांडव हो चाहे कौरव हो सबसे बड़े हैं। उन्होंने सिंहनादम विनद्योचई शंखम ददनु प्रतापवान, सिंह के समान नाद करने वाला ऐसा महासंघ बजा दिया। और तथा शंखास्य वीर्यस्य पणवानक गोमुखाः सही सही वाभ्यन्यंत सशब्द तुमलो भवत। अब इसके बाद तो महाराज उनके पक्ष के सभी लोगों ने संघ बजा दिया। अब आज उनका संघ फूंक गया है। अब कल इतनी मजेदार बात शुरू होगी कि यहां तो देखो सिर्फ इतनी बात हुई कि पितामह भीष्म ने संघ बजाया। अब जरा पांडव पक्ष के संघों का वर्णन सुनना बंधुओं माताओं। कल ये प्रकरण आएगा कि पांडवों ने संघ बजाए, तो पांडवों के हर शंख का एक नाम है। और जब मैं पांडवों के शंख के नाम की व्याख्या करूंगा ना, श्री कृष्ण के शंख के नाम की व्याख्या करूंगा, तो आप देखोगे कि धर्म की पूरी व्याख्या हो जाती। भैया जय भगवत गीते हरिया कमल बिहारी, हरिया कमल बिहारी सुंदर सुपुरी, ॐ जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशित कामा सखी हरा, मैया कामा सखी हरा तातो ज्ञान विकासित, तातो ज्ञान विकासित विद्या ब्रह्म परा, ॐ जय भगवद गीते। भगवत गीते जय भगवत गीते, हरिया कमल बिहारिण, हरिया कमल बिहारिण सुंदर सुपनीते, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिन निर्मल मल शरण रहस्य प्रदायिनि, शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते हरिया कमल बिहारिणि, हरिया कमल बिहारिणि सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते हरिया कमल
तम रजनी मैया नासिन तम रजनी सकल निवार की मिल की जय दुख सकल निवार की मिल की जय मिल की जय सत्य गुरुवार की मिल की जय मिल की जय सत्य गुरुवार की दया से जिनकी द्वैत दूर हो कैसे होगी आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? गीता के दरबार में। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पंच महाभूतों का है, शरीर पंच महाभूतों का है, मैं शरीर को जानने वाला, मैं शरीर को जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा हूँ, साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मुझ सहित यह समस्त ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। भारत माता की। हर हर महा